मैं हमारे वालिद साहब से काम सीखा सो हूँ, और तबला इतना आसान काम नहीं है। तबले में जो है ना, पहले गजरा डालना पड़ता, उसके बाद उसकी तस्मा भरना पड़ता, उसके बाद शाही डालना पड़ता, शाही डालने के बाद उसको जो है ना ट्यूनिंग करना पड़ता, उसके बाद तबला तैयार होता। ऐसे ही आसान तबला तैयार होने वाला नहीं है, टाइम लगता उसके लिए। एक दिन में एक तबला नहीं बनता, 8 दिन में 8 पीस बनते हैं। उस हिसाब से रोज का एक तबला बनता। हमारे जो है ना बड़े, हमारे को शिकायत है, हम वही काम करते जो हमारे बड़े बताए हैं। तो अब ये मार्केट कैसा है बोलते हैं आप? अच्छा है, मार्केट का काम अच्छा है। हम मार्केट के हिसाब से नहीं चलते, हमारा काम अलग है और हम काम अलग हटके करते हैं। मार्केट से अलग काम है हमारा, मार्केट में ही है मगर काम अलग है हमारा। और अच्छा, आपने ये भी बताया था कि आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हाँ म्यूजिक कॉलेजों में, स्कूलों में के तबले आते हैं हमारे कने, वो भी रिपेयर करके देते हैं। हम तकरीबन मास्टर लोग लाते हैं हमारे कने, तो वो भी ले आके हम बना के देते हैं उनको। कितने साल ये हमारा दुकान जो है ना, कारोबार हमारा 160 साल का कारोबार है। हमारे पिताजी 100 साल करे, मैं 60 साल से कर रहा हूँ, और ये दुकान हमारा तकरीबन 100 साल पुराना दुकान है। कारोबार पूरा वही जब से ही चल रहा। हम लोग जो है ना 3-4-5 लोग है, हमारा बच्चा है, हमारे भाई साहब है, उन्होंने मिलके सब काम करते हैं। प्राइस कम से कम 6,500 रुपए से स्टार्टिंग रेट है, 8,000 रुपए का है, 10,000 रुपए का है, 18,000 रुपए का है, 25 का है, 22 का है। इस हिसाब से 25 तक लास्ट है, अच्छा प्राइस रेट रहता और अच्छा तबला रहता। दादाजी के नाम से हमारा दुकान चल रहा, तो मैं उनका पोतरा हूँ और मेरे वालिद का नाम शौकत अली साहब है। तो हमारा काम जो है करीब 150-160 ईयर से चल रहा हमारा। तो हम लोग तबला मैन्युफैक्चर करते हैं, तबला और लेजर इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि और लेजर इंस्ट्रूमेंट्स हम बनाते हैं, अब से नहीं एक ज़माने से बनाते, और इसका रिस्पांस अच्छा है, चल रहा। हालांकि मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स काफ़ी आए, जैसा कि कीबोर्ड है, तबला, हैंड सोनिक है, उसमें बहुत सारे आने के बाद भी हमारा तबला अभी तक बरकरार है, चल रहा काम हमारा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम आने से जो है हमारा लेजर का, हैंडमेड का काम बंद हो गया बोल के, ऐसा नहीं है। हमारा काम अभी भी चल रहा और आगे भी चलेगा, तो उस हिसाब से हम काम करते रहते हैं।